नमस्कार दोस्तों देखिए आज दो स्टॉक आपको मैं लेदर इंडस्ट्री से बताने वाला हूँ जिसपे हो सकता है आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले और दूसरा जो भी स्टॉक्स मैं लाता हूँ सबसे पहले मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि कहीं हमारे व्यूअर्स फंस ना जाएं इसलिए क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ चाहे स्टॉक का प्राइस कितना भी ज़्यादा हो अगर आप सौ रुपये के एक स्टॉक पर दस क्वांटिटी लेते हैं तो एक हज़ार रुपया होता है और अगर आप बीस शेयर ख़रीदते हैं तो दो हज़ार रुपया होता है बट वो शेयर दो रुपये पाँच रुपये चलेगा लेकिन अगर आप आ, दो हज़ार के एक ही शेयर को ख़रीद के रखिएगा तो वो सौ रुपये भी चलने का सम रखता है इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू पे अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैलकुलेट कीजिएगा तब आपको स्टॉक का प्राइस जो है ना वन थाउजेंड टू थाउजेंड आपको कम लगेगा और साथ ही आपको एक क्वालिटी वाला स्टॉक मिलेगा इस चीज़ को हमें क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम वीडियोस जो बनाता हूँ आपको स्टॉक के प्राइस टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड इवन फाइव फा, थाउजेंड सॉरी वन थाउजेंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास में देखने को मिलता तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल भी रहता अभी आता हूँ मुद्दे पर देखिए लेदर इंडस्ट्री में दुर्गा पूजा और दीपावली ये दो सीज़न से पहले अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है लेकिन इस बार के सीज़न पे आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली है इसकी वजह यही है कि शायद मार्केटिंग हो या ना हो ये असमंजस है क्योंकि आपको पता है कि जो पूजा की अभी जो सरकार की गाइडलाइंस है उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली पूजा को बहुत ही रिस्ट्रिक्शन से मनाने का आदेश दिया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है लेकिन ये तो मान के चलिए कि लोग ख़रीदारी तो करेंगे मैक्सिमम ना करें बट जो एक नॉर्म्स है मतलब एक लिमिटेड है वो जरूर करेंगे इसमें कोई डाउट मत रखिएगा और जब ये स्टॉक्स चलेंगे तो चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेंगे क्योंकि करेक्शन के बाद इन सभी स्टॉक्स पे तेजी नहीं आई है इसकी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको तीन महीने का रिटर्न्स दिखाता हूँ और छः महीने का रिटर्न्स दिखाता हूँ देखिए स्टॉक्स पे गिरावट आई है बट तेज़ी नहीं आई है आठ परसेंट और दस परसेंट ही चला स्टॉक भी क्वालिटी वाला है मैं आपको बताना चाहूँगा नन अदर देन बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट रिटेलर्स एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड बेयर्स कंपनी है इन इंडिया ये बाटा इंडिया बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस लेदर इंडस्ट्री की मार्केट कैप सत्रह हज़ार करोड़ की मैं मैंने कहा ना मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड पच्चीस भले मैं महंगा दे के ख़रीदूँगा सॉरी महंगा का मतलब है प्राइज़ वन थाउजेंड के ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं है इवन टू थाउजेंड के ऊपर भी रहे कोई दिक्कत नहीं है मैं दस हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करूंगा ये मैं देखता हूं और इसमें मैं दस परसेंट का मुनाफा कमाऊंगा तो मेरा जो मुनाफा निकल के आएगा वो सेम रहेगा एक सौ रुपये के स्टॉक का मुनाफ़ा तो इस चीज़ को क्लियर से सोच लीजिएगा और उसके बाद आपका जो माइंड है ना वो माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा भारी स्टॉक्स के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें प्रमोटर्स की तो धाकर होल, होल्डिंग्स हैं और डेट टू इक्विटी रेशियो भी एक्सेप्टेबल है प्लीज टू परसेंटेज भी एकदम जीरो मैं स्टॉक की बात क्यों कर रहा हूँ देखिए स्टॉक पिछले बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा बहुत लंबे समय से आप मानिएगा तो मार्च में जो गिरावट आई थी उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये लगभग छः महीने इस स्टॉक ने छः सात महीने एक रेंज पे ट्रेड किया है और एक जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है इसे एक पैटर्न कहा जाता है और ये पैटर्न जब टूटेगा ऑलमोस्ट आप टूटता ही दिख रहा मुझे तो एक भारी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी ये देखिए अगर मैं हाई टू हाई अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक होता दिख रहा है ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ अगर आप इसे देखिएगा तो आपको ट्रायंगल शेप का एक पैटर्न देखने को मिलेगा नीचे के तरफ एक ऐसा ऐसा वाला सपोर्टिंग और ऊपर की तरफ एक ऐसा वाला रेजिस्टेंस वो मैं टूटता हुआ दिख रहा हूँ मैंने आपको बाटा सॉरी टाइटन कंपनी के बारे में कल अपडेट किया था टाइटन कंपनी आप जाके देखिए कितनी तेज़ी है बाटा इंडिया बता रहा हूँ तेज़ी आ सकती है तेज़ी का अगर इंजॉय करना तो आपके लिए नीचे पे सपोर्ट क्या होना चाहिए तो देखिए नीचे के तरफ इस स्टॉक पे आप आ, काम कीजिएगा अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है उस हिसाब से तेरह सौ रुपये में एक ज़बरदस्त आप मान के चलिएगा सपोर्ट और उससे नीचे आप वेट नहीं कीजिएगा मुझे ऐसा लगता है कि तेरह सौ रुपये तक ये स्टॉक अब नहीं आना चाहिए अगर मार्केट की कंडीशन ठीक ठाक रुई तो रही तो लगभग पचास से पचपन पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना स्टॉक पे तेजी आई तो स्टॉक पंद्रह सौ रुपये सबसे पहले दिखाएगा पंद्रह सौ रुपये के आसपास और अगर पंद्रह सौ रुपये पर सस्टेन किया तो मेरी मानी दीपावली तक ये स्टॉक सत्रह सौ अट्ठारह सौ रुपये तक भी जा सकता है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर ये चला गया तो सोच लीजिए कितनी प्रॉफिट होगी लेकिन मैं डिस्क्लेमर यही दूंगा कि देखिए अपनी पोजीशन खुद से बनाइएगा मैं अपना सोच और अपनी थाट्स आपके पास रख रहा हूँ इसकी कोई हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं है कि ये ही होगा इसकी पॉसिबिलिटी है इसके चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसलिए मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ लेकिन जो भी आप इस पे पोजीशन बनाइएगा दोनों स्टॉक पे वो आपका ऑन डिसीजन होगा प्रॉफिट लॉस आपका जो भी होगा चलिए देखता हूँ नेक्स्ट स्टॉक देखिए नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फेडवेयर जिसने भारत के बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा बना के दिया मार्केट कैप सोलह हज़ार करोड़ की और क्वालिटी बहुत बढ़िया छः सौ रुपये पे माल मिल रहा मैंने दो स्टॉक इसीलिए ही सिलेक्ट किया था और ये भी रिलैक्सो फुटवेयर मार्केट लीडर है फुटवेयर इंडस्ट्री की कंपनी में ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये हरियाणा और राजस्थान और उत्तराखंड ये तीन जगह पे इनका प्लान सेटअप है और कंपनी ने अच्छा खासा लोगों को पैसे बना के दिया है आप देख पाएंगे ये स्क्रीन पे एक समय ये जीरो जीरो पे चलता था आज हीरो है एक रुपये का शेयर होता था आठ सौ रुपये तक गया तो सोच के देखिए एक रुपये के शेयर में भी दम होता है और जब ये एक रुपये पर था तब इनके बिजनेस को आप देखिए एक छोटी सी पेनी शेयर्स थी और कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई तो कंपनी का काम इसे पहुँचाया है करोड़ों का रिटर्न्स देने वाला एक रुपये का ये शेयर आपको हो सकता है कि इस फेस्टिवल सीजन में भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट दे दे तो रिलैक्सो फूडवेयर मैं एक साल के चार्ट पैटर्न पर अपना सारा चीज़ आपको बताऊँगा देखिए इसमें भी सेम कहानी हुई है एक ही जगह पे ये स्टॉक ट्रेड करता दिखा है और ये ट्रेड करता दिख रहा है जिस हिसाब से वो आपको यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होती है तो फिर स्टॉक पे फर्दर आपको सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड फिफ्टी तक का टारगेट दिख सकता है जो कि यहाँ से अस्सी अस्सी नब्बे पॉइंट दूर है उस कंडीशन पे आप इस स्टॉक पे बनिएगा तो आपके लिए स्टॉक का जो नीचे का लेवल्स होगा वो छः सौ का होगा छः सौ तीस पर आप सपोर्ट मान के चलिए लगभग चालीस रुपये का नीचे की तरफ सपोर्ट मान के चलिए और ऊपर ये 750 हंड्रेड इवन इससे ऊपर तक भी जाने का दमसम रखता है इस फेस्टिवल सीजन के पूरे दौरान इवन दिवाली तक ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोनों ही क्वालिटी वाला स्टॉक है तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको सारी चीज़ें बता पाया हूं। देखिए डिस्क्लेमर देना ये सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आप पोजीशन बनाइएगा वो आपका ऑन डिसीजन होना चाहिए और होगा प्रॉफ़िट होगा तो भी आपका और अगर लॉस होगा तो भी आपका उसमें पार्टिसिपेट तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अकाउंट तो आपका होगा तो इस चीज़ का डिसीजन आपको ही लेना होगा और इस हिसाब से ट्रेड कीजिए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज ना उठाइए एक लमसम क्वांटिटी उठाइए जिसमें आपको नोमिनल लॉस भी हो और प्रॉफिट भी हो तो नोमिनल हो ऐसा नहीं है स्टॉक मार्केट हर दिन एक अपॉर्चुनिटी देता है हर सीजन में एक अपॉर्चुनिटी देता है अगर आप पेशेंटली काम कीजिएगा तो आपको लॉसेस भी ज़्यादा नहीं होगा और आप मार्केट पर अपना कैपिटल को सेव कर पाएंगे ये थी आज की बातें और रिलैक्सो फुटवेयर और बाटा इंडस्ट्री बाटा इंडिया को याद रखिएगा पूरे फेस्टिवल सीजन में ये कभी भी तेज़ हो सकता है जैसा टाइटन कंपनी में तेजी आई है टाइटन में ऑलरेडी रिजल्ट भी आया जिसके वजह से तेजी आई है तो इन सभी कंपनीज़ में भी वही चीज़ होगा जो टाइटन कंपनी में हुआ है इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर डालिएगा फॉर द जेनुन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट पाने के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर पोजिशन बनाने से पहले अपना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा थैंक यू